इस समय गुजरात चुनाव पूरे जोर पर है और यहाँ पर 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है और अब 5 दिसंबर को मतदान होना है। इस बार मैदान में 3 पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बीच इस चुनाव में एक ऐसा भी नाम सामने आ रहा है जिसकी चर्चा बहुत जोर से हो रही है और वह नाम है कांधाल भाई जडेजा का। आप अगर हमारे चैनल और वीडियोस को देखते हैं तो आपको जरूर मालूम होगा कि ये कांधाल जडेजा आखिर है कौन। और अब भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको कांधाल जडेजा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। साल 1990 के आसपास गुजरात के पोरबंदर में एक गॉड मदर हुआ करती थी जिसका नाम था संतोख बेन जडेजा। संतोख बेन जडेजा का जन्म साल 1949 में पोरबंदर में ही हुआ था। कम उम्र में ही उनकी शादी शर्मन मुंजा जडेजा से हो गई। उनके पति शर्मन मुंजा जडेजा महाराजा नाम के एक मिल में वर्कर का काम करते थे। शर्मन भाई जडेजा गुजरात के मेहर समुदाय से आते थे और वह उनका लीडर भी थे। ऐसे ही एक बार की बात है जब मिल में सभी वर्कर्स ने शर्मन भाई के नेतृत्व में स्ट्राइक कर दिया। यह स्ट्राइक काफ़ी लंबा चला और इससे मिल के मालिक को काफ़ी नुकसान होने लगा। अब मिल के मालिक भी वर्कर्स से बात करने की बजाय उन लोगों का स्ट्राइक तुड़वाने के लिए एक लोकल गैंगस्टर से संपर्क किया। इस गैंगस्टर का नाम था देबू वाघेर। एक दिन ऐसे ही देबू वाघेर उस स्ट्राइक में अपने लोगों के साथ शामिल हो गया और मारपीट करने लगा, जिसके बाद शर्मन भाई जडेजा ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसके ऊपर पलटवार कर दिया। इस घटना में देबू वाघेर मारा गया और इसका सीधा इल्जाम शर्मन भाई जडेजा के ऊपर आया। गैंगस्टर देबू वाघेरा के बाद अब शर्मन भाई जडेजा इलाके का डॉन बन बैठा। साल 1986 में एक पुराने रंजिश को लेकर पोरबंदर का ही एक माफिया कालिया केशव ने शर्मन मुंजा की हत्या करवा दी। साथ ही संतोख बेन को भी धमकी दी गई कि वह उन्हें और उनके बेटे को भी मार देंगे। इस समय तक एक हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही संतोख बेन के लिए यह सब बिल्कुल नया और अनोखा था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। पति की हत्या और बच्चों को जिंदा बचाने की जिद के बीच संतोख बेन जडेजा अब हथियार उठा ली और अपने बच्चों को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। वहां का पूरा मेहर समुदाय संतोख बेन के साथ खड़ा था, जिससे कि उसे और ज़्यादा हिम्मत मिली और अब वह अपना एक गैंग चलाने लगी। गैंग बनने के बाद संतोख बेन जडेजा और उसका गैंग कालिया केशव और उसके गैंग के पीछे लग गई। ये वही लोग थे जिसने शर्मन भाई मुंजा की जान ली थी। इसके बाद संतोख बेन के लोगों ने कालिया केशव गैंग के 14 लोगों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया। इलाके में 14 हत्याओं के बाद संतोख बेन सबसे खूंखार महिला गैंगस्टर बन गई और लोगों ने उसे अब गॉड मदर का नाम दे दिया। इसके बाद संतोख बेन को मसीहा मान चुके लोगों ने उसे पोरबंदर तालुके का अध्यक्ष चुन लिया। एक महिला गैंगस्टर संतोख बेन ने यह चुनाव निर्विरोध जीता था। इसके बाद अब उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी और अब वह एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहती थी। उसकी लोकप्रियता और पोरबंदर के कुटियाना क्षेत्र में लोगों के ऊपर उसकी पकड़ को देखकर साल 1990 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल ने उसे टिकट दे दिया और संतोख बेन जडेजा 35,000 वोटों से यह चुनाव जीत गई। चुनाव जीतकर संतोख बेन जडेजा अब विधायक बन गई थी। साल 1995 में उसने दोबारा विधायकी का पर्चा भरा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया। साल 1996 तक संतोख बेन का खौफ कायम रहा, लेकिन इसी साल दर्ज हुए हत्या के मुकदमे में संतोख बेन को 16 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वह राजकोट चली गई और 2002 में फिर से विधायकी के लिए पर्चा भरा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में फिर से अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। वहीं 2005 में एक बीजेपी पार्षद की हत्या के चलते संतोख बेन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। संतोख बेन जडेजा को कुल 4 बेटे हुए, काना भाई, करण भाई, भोजा भाई और कांधाल भाई जडेजा। इनमें से करण भाई की तो मौत हो चुकी है और कांधाल भाई जडेजा उसी कुटियाना विधानसभा सीट से साल 2012 में एनसीपी के टिकट पर विधायक बने।
ज्यादा उम्र होने के चलते इस महिला गैंगस्टर की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे कांधाल जडेजा ने संभाल लिया। 31 मार्च 2011 को पोरबंदर में ही संतोक बेन शर्मन भाई जडेजा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कांधाल भाई जडेजा और उनके बैकग्राउंड के बारे में। अब यहाँ से उनकी अगली कहानी शुरू होती है। वैसे हमने आपको संतोक बेन जडेजा की पूरी कहानी को इस वीडियो में विस्तार से सुना दिया है, जिससे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम अब आपको बताते हैं कि क्यों इस गुजरात चुनाव में कांधाल भाई जडेजा के नाम का इतना चर्चा है। महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। पोरबंदर सीट बीजेपी के पास है, तो वहीं कुटियाना सीट पर पिछले एक दशक से गुजरात की लेडी डॉन संतोक बेन जडेजा के बेटे कांधाल जडेजा अपना कब्जा जमाए हुए हैं। हम आपको बताते चलें कि कांधाल जडेजा गुजरात में एनसीपी के इकलौते विधायक थे। पिछला चुनाव एनसीपी अलग लड़ी थी, फिर भी कांधाल जडेजा ने बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त दी थी। इस बार कांग्रेस और एनसीपी के बीच प्रदेश में गठबंधन हुआ है और इसमें एनसीपी को 3 सीटें मिली है। इसमें कुटियाना शामिल नहीं है। इसी को लेकर कांधाल जडेजा ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने अपने इकलौते विधायक को झटका देने की योजना पहले ही बना ली थी। इसकी बड़ी वजह थी कांधाल जडेजा की मनमानी। मौजूदा कार्यकाल में कांधाल जडेजा 3 मौकों पर पार्टी के आदेश को नहीं माना था और पार्टी को इसके लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। साल 2017 में गुजरात के हाई प्रोफाइल राज्यसभा चुनाव में कांधाल जडेजा ने पार्टी के निर्णय के बाद भी अहमद पटेल को वोट नहीं किया था। इसके बाद जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में कांधाल जडेजा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। साल 2022 के गुजरात चुनाव के लिए एनसीपी नेतृत्व कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही कांधाल जडेजा ने अपना पर्चा भर दिया था। इन वजहों से और लगातार हाईकमान की अनदेखी के चलते कांधाल जडेजा का टिकट कट गया और इसीलिए पोरबंदर की पॉलिटिक्स इस गुजरात चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि कांधाल भाई जडेजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांधाल भाई जडेजा का अपना वोट बेस है और उनकी अपनी मेहर जाति के 1,31,000 वोट है। रबारी समुदाय भी उनके साथ है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कुटियाना की नगर पालिका के चेयरमैन धेली बेन ओडेदरा से होगा। धेली बेन से उन्हें अच्छी चुनौती मिलने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह यह है कि धेली बेन ने ही नगर पालिका में कांधाल के पैनल को हरा दिया था। हम आपको बताते चलें कि कांधाल जडेजा की छवि एक माफिया बाहुबली की है, तो दूसरी छवि उनकी एक मददगार की भी है। वे पैलेस ऑफिस की बजाय स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं, तो दूसरी तरफ धेली बेन ओडेदरा है जिन्होंने समाज सेवा के कामों से अपनी अच्छी छवि बनाई है। ऐसे में मुकाबला अच्छा होगा और कांधाल जडेजा को काफ़ी टफ फाइट मिलने वाली है। वैसे हम आपको बताते चलें कि गुजरात के सूरत में ही एक डॉन हुआ था, सूर्या मराठे। उसका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। हमने आपको उसकी कहानी इस वीडियो में सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि कांधाल जडेजा अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कांधाल जडेजा का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं या एक निर्दलीय के रूप में, क्योंकि उनके अनुसार वह जीतेंगे क्योंकि लोग उनके काम को वोट देते हैं। गुजरात में इस बार 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। 89 सीटों पर मतदान 1 दिसंबर को पहले चरण में हो चुका है, बाकी 93 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो यही थी पूरी कहानी कांधाल भाई जडेजा और उसके बैकग्राउंड की। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे
एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।